सत श्री अकाल सारिआं नूं। मैं सपन सूद मेरे ते मेरे पूरे परिवार वल्लों तुहानूं सारिआं नूं दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस दीआं ढेर सारिआं मुबारकां। ये रोशनियां दा त्यौहार, मुहब्बतां वंडदा त्यौहार, सांझा दा अपनत दा त्यौहार, आओ इस ते प्रण करिए कि आपां पटाकिआं रहित दिवाली नूं प्रमोट करिए ते ग्रीन ते वातावरण नूं साफ रखण लई हैप्पी दिवाली ग्रीन दिवाली दा नारा बुलंद करिए ते इस त्यौहार नूं खुशियां दा त्यौहार बनाइए सही मायनिआं च। वैसे तो हर एक दिन इस तरह नाल जिउणा चाहीदा है जिवें त्यौहार दा दिन होवे। रुसी हुई जिंदगी नूं सजणा इंज मना लईए, छड्ड फिकर दे चक्करां नूं, चल आ मुस्करा लईए, चल आ मुस्करा लईए। जिंदगी जिंदाबाद। शुक्रिया। आगामी 24 अक्टूबर को दिवाली का महापर्व आ रहा है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस दिवाली के पीछे पौराणिक महत्व है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश में दिवाली अधर्म पे धर्म की विजय, असत्य पे सत्य की विजय, अहंकार पे मर्यादा की विजय, ये हमें सिखाती है दिवाली पर्व कि हमेशा सत्य मार्ग पे रहें। अहंकारी रावण जो राम जी सूर्य वंश के थे, रावण ब्राह्मण था, राम जी क्षत्रिय थे, चारों वेदों का ज्ञाता महाज्ञानी रावण, उसके बावजूद भी उसका पतन हुआ केवल भ्रष्ट होने की वजह से, अहंकार होने की वजह से। उस अहंकारी रावण का पतन इसीलिए हुआ कि परिवार में एक मत भी नहीं था, उसका भाई उनके साथ नहीं था, और इसलिए नहीं था कि हम ये ब्रह्मांड हमें सिखाती है कि अगर अपना अपना कोई सगा भी मर्यादा तोड़ता, अधर्म पे जाता है तो ईश्वर के साथ रहिए, अधर्म के साथ मत रहिए। विभीषण ने वही कार्य किया, धर्म पे आए, अधर्म का साथ छोड़ा। दिवाली एक और चीज हमें बताती है कि भाई से भाई का प्रेम कैसा हो। भरत जी 14 वर्ष के वनगमन के पश्चात एक एक दिन राम जी के विरह में व्याकुल हो रहे हैं। वो कहते हैं कि तास विरह सोचम दिन राती, रटम निरंतर गुण गण पाती। एक एक दिन उनके लिए एक एक वर्ष के तरह बीत रहा है। 14 वर्ष के पश्चात रावण का हनन करने के बाद प्रभु अयोध्या लौटते हैं, तो दिवाली पर्व मनाने के लिए भगवान की कृपा पाने के लिए भरत जी सूर्य नारायण के पास जाते हैं कि प्रभु आज रात्रि में संध्या में हमारे भैया राम जी आ रहे हैं तो उजाला कर देना। सूर्य भगवान कहते हैं कि तो ये तो रात्रि का समय है, मैं कैसे अपनी मर्यादा तोड़ सकता हूँ। तो चंद्रमा के पास गए और चंद्रमा से कहा कि हमारे भैया आ रहे हैं, आप उजाला कर दो। तो उन्होंने कहा कि अमावस्या की रात है, ये मर्यादा कहाँ से जुटेगा। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं दीपक जलाऊंगा। और पूरे अयोध्या में दीपक जलाया गया। तब से हम ये दिवाली मनाते हैं, उस हर्ष में हम दिवाली मनाते हैं। मैं डॉक्टर रमेश साई के सेंटर में बैठा हूँ, ये सभी जितने कार्यकर्ता हैं सभी को दिवाली की बधाई, बहुत मंगल कामनाएं। खूब पटाखे जलाएं लेकिन प्रदूषण न फैले, यही संदेश है। डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरों को दृष्टि दे रहे हैं, ज्योति दे रहे हैं, तो इस प्रदूषण का ध्यान रखें। दिवाली मनाएं, मिठाई खाएं, पटाखे जलाएं, पर मर्यादा के अनुसार, किसी को कोई कष्ट न पूछे। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत आशीर्वाद करते हैं।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੀਤਾ ਦੋਗਨਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਰੈਂਟਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਐਂਡ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਟੋਟਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਉਤਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਸੋ ਨਾਓ